नमस्ते फ्रेंड्स, आर्ट एंड टैरो में आपका स्वागत है। बहुत समय से मैं गीता के ऊपर कुछ बात करना चाहता था। भगवद गीता अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्क्रिप्चर है। हम सभी भगवद गीता को जानते हैं, हम सब ने उसके जो है श्लोक सुने हैं, हमने टीवी सीरियल देखे हैं, हमने उसकी हर जगह पे चप्पे चप्पे पे उसकी बात सुनी है। लेकिन भगवद गीता का जो रियल मीनिंग है वो शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो इस वीडियो, ये जो वीडियोस जो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसका प्रयास यही है कि मैं भगवद गीता के जो है जो डीपर मीनिंग्स हैं उसको शेयर कर सकूँ। और इन वीडियोस के थ्रू मेरा प्रयास यही है कि मैं उन गहरे सीक्रेट्स को जो है आपके सामने ला सकूँ, उनकी बात कर सकूँ। गीता को ऑफकोर्स मैंने भी बहुत टाइम से सुना था, लेकिन उसके जो गहरे मतलब थे वो बहुत बाद में जाके जो है मेरे सामने रिवील हुए। मैं सबसे पहले सोर्स की बात करना चाहूँगा कि एक्चुअली में ये जो विजडम है, जो ज्ञान जो है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो उसका सोर्स क्या है। तो जो सोर्स है इस सब का, जो इंस्पायर्ड करा है मुझे ये सब वीडियोस बनाने में, वो है श्री परमहंस योगानंदा जी। और श्री परमहंस योगानंदा जी को जो ये विजडम है वो उनके गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी से आई, और श्री युक्तेश्वर गिरी जी को उनके गुरु से, जो कि लाड़ी माशे हैं, श्री लाड़ी माशे, और श्री लाड़ी माशे को ये विस्टन जो है बाबा जी से आई। और कहते हैं कि बाबा जी और कृष्णा जो है ऑलमोस्ट एक ही है। तो जिस नॉलेज की, जहाँ जिस नॉलेज की हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, इसका जो सोर्स है वो एक्चुअली में डायरेक्ट बाबा जी के थ्रू है। एक पर्पस और भी है इन वीडियोज़ को बनाने का, वो ये कि जो ये जो सत्य की जो बात करी है, जो ट्रुथ की जो बात करी है इन इस बुक के अंदर, उसको इतनी सिंपली आपके सामने जो है एक्सप्लेन कर दिया जाए कि बहुत ही एक बेसिक लेवल पर उसको एक समझा दिया जाए कि आप उसको जो है अंडरस्टैंड कर सकें, कि एटलीस्ट उसकी जो है आपको एसेंस जो है आपको मिल जाए। तो ये वीडियो मैं डेडिकेट करता हूँ श्री परमहंस योगानंदा जी को। तो वीडियो शुरू करते हैं। भगवद गीता इज़ नोन एज द रॉयल साइंस ऑफ गॉड रियलाइजेशन, एक ऐसा विज्ञान जिससे आप जो है भगवान को पा सकते हैं, और एक ऐसा संवाद जो कि आत्मा और परमात्मा के बीच में घटा। ये हम सभी को पता है कि गीता जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। भगवद गीता का मतलब होता है भगवान का गीत, द सॉन्ग ऑफ द स्पिरिट, एक ऐसा संवाद जो घटा आत्मा और परमात्मा के बीच में। जो मेन थीम है गीता की, जो मेन जो ज्ञान है, जो एसेंस है जो गीता का, आप संसार में रहकर ही परमात्मा को पा सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप जहाँ हैं वहीं पे होके अगर आपके पास सही टूल्स जो हैं, अगर आप उनको यूज़ करेंगे तो आप ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हैं, आप भगवान को पा सकते हैं। गीता तीन तल पे बात करती है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, बॉडी माइंड और सोल। तो जब गीता बात कर रही है वो सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं बात कर रही है, उसकी जो है वो मेंटल लेवल पे भी बात करती है और बहुत गहरे स्पिरिचुअल लेवल पे भी जाती है। तो जब भी हम एक किसी श्लोक की बात करते हैं उसको अगर आप सिर्फ ऊपर से समझ लेंगे तो आप उसके जो है उसको मिस कर जाएंगे। उसकी गहराई में आप जब तक नहीं जाएंगे तब तक आप उसके जो असली जो राज है वो तब तक नहीं समझ पाएंगे। सो अल्टीमेटली गीता का जो उपदेश है वो हमें ये बताता है कि हम भगवान से आए हैं और हमें भगवान की तरफ ही वापस जाना है, हमें भगवान ही हो जाना है। द एंड एंड द मीन्स टू द एंड इज योगा। गीता में 700 श्लोक हैं और उसमें आपको 4 वेद और 108 उपनिषद का एसेंस मिलेगा। आप कुछ ऐसा समझिए कि द होल नॉलेज ऑफ द कॉस्मस इज पैक्ड इनटू दिस भगवद गीता। दैट्स हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। भगवद गीता लिखी है संत व्यास ने, और उन्होंने वेदों का संरक्षण भी किया था, इसलिए उनको जो है वेद व्यास भी कहा जाता है, और उन्होंने पुराण भी कंपाइल करे। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट समझने की है बात, कि जब हम गीता की बात कर रहे हैं, एक बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम गीता पढ़ना शुरू करेंगे तो उसको दिन लग जाएंगे। प्रॉब्ली इट विल टेक सो मेनी डेज टू रीड द होल थिंग, यू नो। लेकिन जो गीता जो घटी, वो गीता घटी कौरवों और पांडवों के बीच में एक युद्ध के क्षेत्र में, जहाँ पे कृष्ण और अर्जुन जो हैं
वो एक संवाद उनका जो चल रहा है वहाँ पे ये गीता घटी। अब अगर आप उसको बोलना शुरू करेंगे तो दिन निकल जाएंगे। तो एक ये चीज़ समझने की बात है, ये जो कौरव और पांडवों की जो सेना है तो वो क्या वेट कर रही थी, वो क्या वो इस चीज़ का वेट कर रही थी कब इनका जो है संवाद ख़त्म होगा तो हमारा युद्ध शुरू होगा। थोड़ा समझने की बात है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो युद्ध घटा या नहीं घटा। वॉट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द मैसेज विच द भगवद गीता इज़ ट्राइंग टू गिव इट टू यू। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि आपके भी एक्सपीरियंस में ये बात घटी होगी कि आप जो है कुछ मिनटों के लिए अगर आपकी जैसे समझी आँख लग गई और आपने एक सपना देख डाला और उस सपने में जो है आप बच्चे से जो है जवान हो गए, जवान से आपकी शादी हो गई, उसके बाद बच्चे हो गए, उसके बाद बच्चों के बच्चे हो गए, ये सारा कुछ घट गया और ये सारा कुछ घटा सिर्फ सपने में। और मज़े की बात यह है कि ये जो सपना जो घटा वो सिर्फ कुछ मिनटों का था। इस कुछ मिनटों में आपने बहुत कुछ जो है जान लिया, इस कुछ मिनटों में जो है आपने बहुत कुछ देख लिया। तो टाइम इज़ ऑल्सो रिलेटिव। तो जिस मैसेज को जो कृष्णा जो देना चाह रहे हैं या जिस मैसेज को कृष्णा ने जो है जो अर्जुन को दिया वो मैसेज कुछ ऐसा था, वो उसको टाइम से उसको आप नहीं उसको गिन सकते, उसको आप टाइम से उसको आप नहीं नाप सकते। दिस इज़ लाइक जस्ट टाइमलेस, दिस इज़ टाइमलेस विजडम। तो कुछ ऐसा समझिए कि वो जो ज्ञान है वो कुछ हो सकता है कुछ सेकंड्स में जो है वो पास ऑन हो गया। एग्जांपल के तौर पे एक मैं जो है अक्सर जो है मूवीज़ का एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे एक मूवी है द मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स मूवी के अंदर नियो और ट्रिनिटी दुश्मन से भाग रहे होते हैं और उनको जो है भागते भागते जो है एक हेलीकॉप्टर दिखता है। नियो जो है ट्रिनिटी से पूछता है क्या तुम जहाज उड़ाना जानती हो, क्या तुम इस हेलीकॉप्टर को उड़ा सकती हो। तो ट्रिनिटी बोलती है कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन तुम मुझे एक मिनट दो, मैं एक मिनट बाद इसको उड़ा सकती। और वो आँख बंद करती है और वो हेलीकॉप्टर का जो सॉफ्टवेयर है वो अपने अंदर डाउनलोड कर लेती है। सो विद इन फ्यू सेकेंड्स शी डाउनलोड्स दैट सॉफ्टवेयर सो दैट शी कैन फ्लाई द हेलीकॉप्टर। और उसके बाद जो है जैसे ही वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है शी वॉज एबल टू फ्लाई इट। सो इन द सेम वे तो मैट्रिक्स मूवी जो है कुछ ऐसा समझिए कि इट्स जस्ट अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जो कृष्णा ने जो अर्जुन को दिया इट जस्ट हैपेंड प्रॉब्ली इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स। इट्स जस्ट लाइक उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया और उनको समझ में आ गया। भगवद गीता की जो विस्डम है वो घटती है भगवान श्री कृष्ण जो कि एक स्पिरिट है और वो ये मैसेज जो है वो पास ऑन करते हैं जो कि एक डिवोटी है। इसको थोड़ा समझने की बात है कि जब आप अपना हृदय अपने गुरु के सामने खोल देते हैं, जब आप अपना हृदय जो है भगवान के सामने खोल देते हैं तो वो विस्डम जो है आपके अंदर आनी शुरू हो जाती है। द मोमेंट यू ओपन योर सेल्फ, द मोमेंट यू ओपन योर हार्ट, द विस्डम स्टार्ट्स कमिंग इन टू योर हार्ट। तो कुछ ऐसा समझिए कि जब तक कि आप अर्जुन नहीं हो जाएंगे कृष्णा जो है आपको जो है दर्शन नहीं देंगे। जब तक कि आप वो डिवोटी नहीं हो जाएंगे तब तक जो है कृष्णा जो है अपने रास आपके सामने नहीं खोलेंगे। इसलिए भगवद गीता जो है कृष्ण और अर्जुन के बीच का ये संवाद है कि जो आत्मा और परमात्मा के बीच में घटा। तो जब तक कि आपका लेवल जो है उस आत्मा तक नहीं पहुँचता तब तक जो है कृष्णा जो है आपके सामने जो है वो विजडम नहीं आपको शेयर करते। भगवद गीता जो है एक स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल बैटल है जो कि घटता है कौरवों और पांडवों के बीच में, गुड एंड ईवल के बीच में। जो कौरव हैं वो हमारे वर्ल्डली डिज़ायर का एक नाम है जो कि है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और ये पांच तक सीमित नहीं है, ये बहुत आगे तक जाते हैं, तभी जो है 100 कौरव कहा जाता है। 100 कौरव सिंपली ये समझिए कि देर आर लाइक हंड्रेड्स ऑफ डिज़ायर्स, बल्कि वो 100 तक सीमित नहीं रहते, वो और फैलते हैं। अगर हम डिज़ायर की बात करें तो वो अनलिमिटेड है कहीं, लेकिन अगर हम पांडव की बात करें कि जो कि गुड है वो सिर्फ 5 ही हैं। इन 5 के बल पे आप जो है ये बैटल जीत सकते हैं। ये 5 इंद्रियां अगर आपके वश में हो जाती हैं, ये 5 इंद्रियां अगर आपके जो है कंट्रोल में हो जाती हैं तो आप इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के इस बैटल को
इस युद्ध को आप जीत सकते हैं। तो ये जो बैटल की जो बात है, ये जो कौरव और पांडवों की जो बात है, तो ये ज़रूरी नहीं कि बाहर कोई कौरव या पांडव रहे होंगे कि नहीं होंगे। वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ वॉट वी अंडरस्टैंड इज दिस कौरव एंड पांडव दे आर इनसाइड ऑफ अस। ये हमारी अच्छी टेंडेंसी और बुरी टेंडेंसीज है, ये एक अच्छा करने की और एक बुरा करने की, ये दोनों टेंडेंसीज हमारे भीतर है। और सारा जो युद्ध है वो हमारे भीतर घट रहा है। बाहर घटा हो या ना हो वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर समझ लीजिए, ऐसा युद्ध रोज़ आपके भीतर घटता जो है। और कृष्ण की गीता जो है यही मैसेज आपको देना चाहती है। कौरव और पांडवों की जो मैं बात करता हूँ, तो एक मैं बहुत एक ब्यूटीफुल एग्जांपल जो है श्री कृष्ण जी की लाइफ से मैं लेना चाहूँगा, वो ये कि कहा जाता है कि जब ऊर्जा जो है जब उनसे जो है बाहर की तरफ जाती है तो वो धारा बन जाती है, और जब ऊर्जा जो है उनके पास वापस लौटती है तो वो राधा हो जाती है। दैट इज़ वॉट इज सपोज टू हैपन, दैट इज़ वॉट इज़ नीडेड, कि आपकी ऊर्जा जो है जो अब तक जो है बाहर की तरफ बह रही है, जो धारा बन गई है, उसको जो है राधा बना दीजिए, कि अब वो ऊर्जा जो है आपके भीतर चली जाए और आप अपने भीतर के पांडवों को जिता सके। यही भगवद गीता का एसेंस है। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे इस वीडियो में एक पहले श्लोक की गीता के। लेट मी रीड दैट फॉर यू। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेत ययुत्सव मामका पांडवेश्वा कमुकर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, हे संजय, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की लालसा में एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। तो एक तो सबसे पहली बात जो यहाँ समझने की है कि धृतराष्ट्र यहाँ पे कह रहे हैं संजय को कि मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। कि ये पास्ट टेंस की बात हो गई, कि मतलब युद्ध पहले घट चुका है। आप नोटिस कर रहे हैं इस चीज़ को, इसमें जो है वो पास्ट की बात कर रहे हैं कि युद्ध ऑलरेडी घट चुका है, और वो कहीं ना कहीं संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। आप ये समझिए कि ये छोटा सा श्लोक जिसमें सिर्फ धृतराष्ट्र जो है संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, एक छोटी सी ये दो लाइनें, लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा है। सबसे पहले आप धृतराष्ट्र को समझिए, धृतराष्ट्र का क्या अर्थ होता है। धृत मतलब पकड़ना और राष्ट्र मतलब राज्य, मतलब राज्य को पकड़ना, मतलब कि धृतराष्ट्र वो हुए कि जो अपना राज्य जो है कंट्रोल में करके चलते हैं। और क्या कंट्रोल कर रहे हैं, कौन सा राज्य की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम धृतराष्ट्र की बात कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जो है वो सिग्निफाई करते हैं हमारे मन को, और मन जो है वो अंधा होता है, मन देख नहीं सकता, मन की खुद की आँखें नहीं होती, मन को अपनी इंद्रियों और बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है देखने के लिए। इंद्रियां जो हैं मन तक जो हैं खबर पहुंचाती हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। बुद्धि जो है एक निष्कर्ष निकालती है, एक डिसीजन लेती है कि दिस इज़ गुड फॉर यू और बैड फॉर यू। कुछ ऐसा समझिए कि आपने खीर खाई, और जब खीर आपने खाई, खीर थी मीठी, आपके सेंस ने आपको बताया, आपके मन को आपको खबर पहुँचाई कि खीर मीठी है, और आपको जो है ये मैसेज गया कि ये टेस्टी है, और एक मेमोरी जो है एक कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इस्टैब्लिश हुई कि खीर मीठी है, खीर टेस्टी है। तो ये जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं जो है मन को पहुंचाया इंद्रियों ने, मन खुद नहीं देख सकता, लेकिन उसको जो खबर पहुंचाई वो इंद्रियों ने पहुंचाई, और उसके बेसिस के ऊपर था एक संस्कार जो है वो मन में पड़ा। इसलिए धृतराष्ट्र को जो है हम यहाँ पे सेंस माइंड कहते हैं, कि ऐसा मन जो कि इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है, और क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते, इसलिए उनकी जो 100 संतानें हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को सिग्निफाई करती हैं। वो ये सिग्निफाई करती हैं कि वो ऊर्जा जो आपके भीतर है वो बाहर की तरफ बह रही है, अलग अलग डिज़ायर्स में जो है वो फुलफिल हो रही है, अलग अलग डिज़ायर्स में वो बह रही है। इसलिए धृतराष्ट्र खुद नहीं देख सकते, तो वो संजय से पूछते हैं कि क्या हुआ युद्ध के क्षेत्र में। लेकिन अब थोड़ा संजय को भी समझिए, संजय का अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसने खुद को जीत लिया है, वो व्यक्ति जो कि इम्पार्शल है, जो कि किसी के फेवर में नहीं है,
जो कि ना कौरव की साइड है ना पांडव की साइड है, जो जैसा है वो वैसा बात करेगा। इसलिए जो संजय है वो हमारा ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन है कि हमारे भीतर एक ऐसी फैकल्टी जो कि बताती है कि क्या एक्चुअली में स्थिति है, क्या आपके साथ हो रहा है। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, क्या इसका अर्थ है, क्या मतलब है इसका। इसका जो है एक बहुत ही एक सिंपल सा मीनिंग निकलता है, और अक्सर जो है हम इसको जो है एक सिंपल एक लाइन की तरह ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि गीता के अंदर जो है एक एक शब्द का जो है गहरा अर्थ है, एक एक नाम का गहरा अर्थ है, तो जिसको आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, उसको समझना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो धृतराष्ट्र है वो संजय से पूछ रहा हमारे भीतर जो है जो एक ये जो युद्ध जो चल रहा है कौरवों और पांडवों का, जो एक डिज़ायर और एक डिज़ायरलेस का, एक ऊर्जा जो बाहर की तरफ बह रही है या फिर एक ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ जो है बढ़ रही है आपके शस्त्रहार में, तो कहीं ना कहीं एक योगी रोज़ अपने आप से ये पूछता है, एक डिसाइपल एक डिवोटी रोज़ अपने आप से ये पूछता है, उसको पूछना चाहिए कि कौन जीता आज, कि आज जो है कौरवों की जीत हुई या पांडवों की जीत हुई, कि आज जो है आपकी ऊर्जा बाहर की तरफ भाई कि आज आपकी ऊर्जा जो है परमात्मा की तरफ। मीनिंग ये है प्रॉपर मीनिंग इस श्लोक का। तो जब आप इस श्लोक को सुनते हैं या पढ़ते हैं, इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इसका गहरा मतलब आप समझिए। इसका मतलब यही है कि आपको रोज़ अपने आप से कहीं ना कहीं पूछना है कि आपके भीतर के वो जो कौरव और पांडव जो आपके भीतर बैठे हुए हैं उनमें से कौन जीत रहा है, या फिर हम कहें कि आपकी ऊर्जा कहाँ बह रही है, बुरे की तरफ बह रही है या अच्छे की तरफ बह रही है। ये था पहला श्लोक गीता का। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं और भी श्लोकों के बारे में बात कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू। नमस्ते।